ये है दिल्ली दर्पण। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में बीते 26 दिसंबर को इसराज अहमद नाम के शख्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। 34 साल के इसराज अहमद को संदिग्ध हालत में ही दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भेजा गया था, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद पाया कि इसराज अहमद की मौत गला घोट कर की गई है। बता दें कि इसराज को हॉस्पिटल में एडमिट कराने के लिए उनकी पत्नी आई थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि इसराज की मौत गला घोटने के कारण हुई है, वैसे ही वो फरार हो गई। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी रजिया और उनके प्रेमी सलीम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि रजिया के सलीम के साथ अवैध संबंध थे। इसके अलावा रजिया को कई अन्य मर्दों के साथ भी देखा गया था। इस बात का एतराज उसका पति इसराज अहमद लगातार कर रहा था, लिहाजा घटना की रात गला दबाकर प्रेमी और पत्नी ने इसराज की हत्या कर दी थी और इसे बीमारी से मौत करार देने की कोशिश की गई। देखिए, इसमें पुलिस की जो है टीम ने, खोड़ा पुलिस की टीम ने काफी मेहनत किया और बहुत सारे तरीके अपनाए। उन तरीकों से जब जानकारी मिली, लोगों से पूछताछ की गई, सर्विलांस की मदद ली गई और उसके बाद साक्ष्य इकट्ठा किए गए, तो पाया गया कि उस व्यक्ति इसराज की हत्या उसकी अपनी ही पत्नी के द्वारा और पत्नी अपने पुरुष मित्र के साथ मिलकर गला घोट के उसकी हत्या करती है। भले ही इसराज की हत्या की आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि कभी कभी रिश्ते भी जान ले लेते हैं। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए गाजियाबाद से अरुण सिंह की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर